कर्नाटक के मांड्या में बवाल का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। बीती रात मांड्या में बड़ा बवाल हुआ था। गणपति शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बाद यहां पर माहौल गर्मा गया। भारी बवाल के बाद अब नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। हम आपको बाइक शोरूम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाइक के शोरूम में घुसकर लोगों ने काफी तोड़फोड़ वहां पर की। हालांकि कर्नाटक सरकार की ओर से कहा गया कि हालात अब नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। कुछ लोगों ने कल रात गलती की थी, यहां गणेश विसर्जन के दौरान झड़प का मामला सामने आया। गणपति की मूर्ति पर उस यात्रा पर पत्थरबाजी की गई, मूर्ति का अपमान भी किया गया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने गणपति की मूर्ति को साथ लेकर यहां पर बड़ा प्रदर्शन किया। यहां पर पथराव भी हुआ, इलाके में तनावपूर्ण माहौल हो गया। दो समुदाय के बीच ये टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया कि हालात काफी बिगड़ गए। कुछ लोगों ने दुकानों और बाइक के शोरूम को आग के हवाले कर दिया। ये दुकानें जलकर पूरी तरीके से राख हो गई। सड़कों पर खड़ी बाइक्स को भी यहां पर निशाना बनाया गया, इनमें भी आग लगा दी गई। तनाव और बढ़ गया और दोनों समुदाय हिंसा पर उतर आए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने इलाके में हाई अलर्ट जारी किया है और BNS की धारा 163 यहां पर लगा दी गई है। लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरीके से रोक है। भीड़ जुटाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यहां पर सरकार कह रही है कि अब सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन इससे पहले रात को कैसे यहां पर एक बाइक के शोरूम को आग के हवाले कर दिया गया, पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया। दरअसल यहां पर पूरा विवाद तब गर्माया जब यहां पर गणपति विसर्जन के दौरान यहां बवाल हो गया। जिस रास्ते से ये जुलूस निकल रहा था, यात्रा निकल रही थी, उसी दौरान दो समुदाय के बीच में ये झड़प हुई। उसके बाद थाने के बाहर घेराव किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया, पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज भी किया। लेकिन तब तक मामला इतना ज्यादा बिगड़ चुका था कि यहां पर आसपास खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया गया और बाइक के शोरूम को आग के हवाले कर दिया गया। अब फिलहाल नुकसान कितना पहुंचा इसका जायजा लिया जा रहा है। हालांकि कर्नाटक में पुलिस कह रही है कि अब सब कुछ यहां पर नियंत्रण में है। एहतियातन अब यहां पर धारा 163 लगा दी गई है। हालात शांतिपूर्ण है। कल रात किसी ने गलती नहीं की। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपको बाद में विस्तार से इसकी जानकारी दूंगा। ये कहना है NC स्वामी, जो कि मंत्री हैं कर्नाटक सरकार के। सर, सिचुएशन नाउ इज पीसफुल। यस्टरडे इज गोइंग ऑन सम मिस्टेक। प्लीज गिव मी हाफ एन आवर टाइम, आई विल डिटेल एक्सप्लेन। सर, सिचुएशन नाउ इज। तो ये जिस बाइक के शोरूम में आगजनी की गई, आग लगाई गई और बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ा गया, उसको भी आग के हवाले कर दिया गया, ये रात की तस्वीर है। हालांकि पुलिस कह रही है कि अब सब कुछ यहां पर कंट्रोल कर लिया गया है। ये देखिए, थाने के बाहर वहां पर प्रोटेस्ट के दौरान पत्थरबाजी शुरू हो गई। गणपति विसर्जन के जुलूस के दौरान भी यहां पर पत्थर बरसाए गए। सड़क पर काफी हंगामा उपद्रव हुआ। शुरुआत में पुलिस ने स्थिति को काफी संभालने की कोशिश की, क्योंकि आमने सामने दो समुदाय के लोग थे। उसके बाद फिर पत्थरबाजी होनी शुरू हो चुकी थी, फिर पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया। लेकिन तब तक यहां पर भीड़ बेकाबू हो चुकी थी और भीड़ ने रात को जमकर यहां पर बवाल मचाया। आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ की गई, खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कह रही है कि हमने स्थिति को काफी हद तक संभाल लिया है, सब कुछ यहां पर नियंत्रण में है। अब लोगों के यहां पर इकट्ठा होने पर पूरी तरीके से पाबंदी है, चूंकि धारा 163 यहां पर लगा दी गई है कि भीड़ यहां पर जुट नहीं सकती। लेकिन देखिए, शोरूम के अंदर कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रात को वहां पर जो हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी हुई, उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और जिस बाइक के शोरूम में वहां पर तोड़फोड़ किया गया और उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया, देखिए पूरा शोरूम, ये पूरा शोरूम जलकर खाक हो चुका है। अब इसे लेकर कर्नाटक में BJP और कांग्रेस आमने सामने हैं। BJP और JDS ये आरोप लगा रही है कि यहां पर समुदाय विशेष के लोगों को पूरी तरीके से छूट दे दी गई है, इसलिए यहां पर ये हंगामा हुआ। कानून व्यवस्था यहां पर कहां गई? सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मामले की जांच कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं इस मामले में आरोपी, सबकी धरपकड़ जारी है। कई लोगों को हमने हिरासत में लिया है, कुछ लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। लेकिन देखिए, गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान जो हंगामा हुआ और जो तोड़फोड़ और आगजनी हुई, इससे कितना नुकसान मांड्या में हो चुका है। अब देखिए, वहां पर शोरूम के अंदर जो राख बची है, अब उसे वहां से हटाया जा रहा है।
पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया। पुलिस जब तक यहां पर पहुंचती, यहां पर भीड़ को हटाती, तब तक भीड़ ने दुकान को आग के हवाले कर दिया, बाइक के पूरे शोरूम को जलाकर खाक कर दिया। ना सिर्फ शोरूम को बल्कि आसपास जितनी भी गाड़ियां दिखी उन गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई और उसके बाद उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए तस्वीरों में, ये कुछ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं कि कैसे यहां पर कुछ लोग आते हैं भीड़ की शक्ल में, हंगामा होता है, बवाल होता है और उसके बाद शोरूम के अंदर घुस करके यहां पर तोड़फोड़ की जाती है। दरअसल यहां पर विसर्जन जुलूस को लेकर के ही बवाल यहां पर हुआ। आरोप लगाया जा रहा है कि यहां पर मस्जिद के सामने से वो शोभा यात्रा निकल रही थी, विसर्जन जुलूस निकल रहा था, उसी दौरान वहां पर पत्थरबाजी शुरू हुई जिसके बाद ये बवाल खड़ा हो गया। Z News.